हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, लेकिन बिहार के मजदूर वहां जाकर के क्यों फैक्ट्रियों में काम करते हैं? वो भी तो जमीन से घिरा हुआ, सीमा उसका बंधा हुआ है महोदय, और लैंड ऑफ स्टेट होटल। अभी लालू जी ने जब रेलवे का कारखाना दे दिया तो आप हवाला दे रहे कि समुद्र है, इसीलिए तो हम कह रहे कि मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, कोई विजन नहीं है। और बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया महोदय, इसलिए महोदय ये सरकार के पास क्या काम होगा नहीं होगा कोई भी जवाब दे। अब तो मुख्यमंत्री जी है, हम लोग तो चाहेंगे कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। अब यहां बिहार के जनता के भलाई के बारे में हम लोग सब लोग चिंतित थे, सब लोग चुन करके आए कि बिहार की तरक्की कैसे हो, हम लोग आगे कैसे बढ़े। लेकिन बिहार की ऐसी धरती है, विधायक तो पाला बदलते थे लेकिन कुर्सी के लालच में मुख्यमंत्री पलट जाता है। ये बिहार पहला ऐसा राज्य है, ये बिहार पहला ऐसा राज्य है महोदय। तो हमको तो बाहर आया महोदय, 18 जिला में 85 लाख आबादी जो है वो प्रभावित रही। बिहार के मुख्यमंत्री 144 दिन से सीएम हाउस से नहीं निकले, चुनाव में वोट मांगने के लिए हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। हम लोग खुद गए थे चंपारण के इलाके में, हम लोग गए थे छपरा प्रमंडल, गए थे गोपालगंज का बैकुंठपुर, पूरा जो है बाढ़ से गंडक नदी से उफान पे था। किसी को कोई चिंता नहीं महोदय, कोई काम नहीं किया गया। सेंट्रल की टीम मुख्यमंत्री जी बताए बाढ़ जो प्रभावित हुई, कोई सेंट्रल का टीम भी आकर के आकलन करके गया क्या कि बाढ़ में कितनी तबाही हुई, कितने लोगों की, और इन्होंने मांग की कि नहीं की ये भी देखते लाए। तो आप मुख्यमंत्री किस बात के, आप मुख्यमंत्री किस बात के? अभी श्रवण कुमार जी बोले थे कि माले के लोग गलती से जीत कर करे आ गए, हम तो कहते ये सरकारी फर्जी है, ये सरकार फर्जी है, ये सरकार पूरी तरीके से फर्जी। अरे भैया चोर दरवाजे से आए तो कुछ काम तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना